अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत। तो आज हम बनाएंगे आलू पूरी की सब्जी ग्रेवी वाली। तो देखिए कैसे, चलिए देखते हैं कैसे बनती है। देखिए, एक टीस्पून जीरा, एक टीस्पून सरसों के दाने, दो बड़ी इलायची, चार लौंग, ये सब हम तेल में ऐड कर देंगे। और हमने एक टेबल स्पून इसमें तेल डाला है। ये एक मीडियम साइज की प्याज है, इसको इसमें डाल देंगे। इसको बहुत छोटा छोटा सा काटना है। ये 2 इंच का अदरक का टुकड़ा था वो डाल देंगे। पांच लाल सूखी मिर्च डाल ऐड कर दी हमने इसमें। इसको हमें ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। ये 3 मीडियम साइज के टमाटर, इसको बहुत छोटा छोटा सा काट लिया है, वो ऐड कर देंगे। चलिए हम पाउडर मसाला डालते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और टमाटरों को गलाएंगे। इसी में हमारे मसाले भी पक जाएंगे और टमाटर भी गल जाएंगे। गैस को हमने मीडियम कर दिया है। तो चलिए, जब तक ये मसाले हमारे पक रहे हैं, पूरी के लिए डो तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, हम 2 कप आटा लेंगे। अच्छा, आप मैदे की भी बना सकते हैं, लेकिन हम आटे की बनाएंगे। एक टेबल स्पून तेल इसमें डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक, 1/3 पानी डाल के इसको गूंधेंगे। और हमें नॉर्मल गूंधना है, ना बहुत ज्यादा टाइट ना बहुत सॉफ्ट। देखिए, आटा गूंध गया, इतना सॉफ्ट है, ना बहुत टाइट है और ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। अब हम थोड़ा सा इसमें तेल लगा देंगे और इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए। चलिए, देखिए मसाला ये मेरा पक गया है, गल गया है अच्छे से, टमाटर और प्याज। और हम इसको भून लेंगे तेज गैस करके। तो देखिए, मसाला भून गया है हमारा। इसमें हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। ये हमारे 5 मीडियम साइज के आलू है और वेट में 500 ग्राम थे। इसको हमने बॉईल करके इस तरह से पीस काट लिए हैं। इसको ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट हमने आलूओं को मसाले के साथ भून लिया है। अब हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। अब हम इसको पकने देंगे जब तक हमारी ग्रेवी गाढ़ी नहीं हो जाती। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। और चलिए, अब पूड़ियाँ बना लेते हैं। देखिए, आटे को रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें से छोटी छोटी लोई काट लेंगे। आपको जिस साइज की पूड़ी बनाना है, आप अपने हिसाब से लोई काटिएगा। कि हमने इतनी बड़ी बड़ी बनाई है। इसी तरह से हम सभी बेल लेंगे और फिर फ्राई करेंगे। देखिए, सब्जी की ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। गैस को बंद कर देंगे अब हम।
लेके चले जाओ। देखिए तेल हमारा खूब अच्छे से हो गया, तेल को गर्म बहुत होना चाहिए वरना आपकी पूड़ियाँ फूलेंगी नहीं। अब हम इसी तरह से सारी पूरियों को तल लेंगे। तो देखिए गर्म गर्म आलू पूरी की सब्जी बनके तैयार हो गई। तो इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।